अरे भाई साहब, यहाँ तो फुल कॉपी पेस्ट चल रही है। सीरीज का नाम भी कॉपी ही कर लेते। ये सीरीज कॉपी है बिग एमजू की अंधा ससुर की। जी हाँ, वही वाला कॉन्सेप्ट अब हम लोगों को इस बाबूजी सीरीज में देखने को मिलेगा। अभी मैंने बाबूजी सीरीज का टीजर देखा और इस टीजर में मुझे क्या अच्छा और क्या बुरा देखने को मिला, यही मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का। सीरीज कॉपी है लेकिन भाई एक्ट्रेस यहाँ पे कॉपी नहीं है। एक्ट्रेस आप लोगों को क्वीन भारती झा देखने को मिलती हैं, जो मेन लीड रोल पर हैं। अब आप लोग समझ जाओ, पहले भी इनकी प्राइम प्ले पर सीरीजें आई हैं और उनको भी हम लोगों ने पसंद किया है, और ये भी कहीं ना कहीं अच्छी ही साबित होगी सिर्फ और सिर्फ भारती झा की वजह से। सीरीज के मेन एक्टर के रूप में आप लोगों को तारकेश चौहान नजर आएंगे। हम लोग जानते हैं कि ये एक्टर किस लेवल के हैं, ये भी एक लेवल ऊपर का काम करते हैं। और भाई और तो और, ये अंधा ससुर सीरीज में काम कर चुके हैं और अब इस बाबूजी सीरीज में काम करने वाले हैं। मतलब पहले इन्होंने सेम कॉन्सेप्ट पर काम किया है, तो कहीं ना कहीं इस सीरीज में इनका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा। तो भाई अगर ये अंधा ससुर की कॉपी है तो कहीं ना कहीं सीरीज की स्टोरी मजा देगी। और सीन का तो आप लोग जानते ही हो, भारती झा, इससे आगे का आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। बात करें यहां पे सीरीज की स्टोरी की, तो सीरीज की स्टोरी में आप लोगों को एक ससुर जी को दिखाया जाएगा जो ना तो चल सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी बहुओं को लगता है कि ये चल भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब ये इस ससुर जी का पर्दा कैसे फास करती है, अगर आप लोगों को जानना है तो सीरीज आप लोगों को देखनी होगी। तो मेरे भाई लोग, भारती झा को आप लोग देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। भारती झा प्राइम प्ले के साथ साथ उल्लू के ऐप पर भी नजर आने वाली है, तो समझ लो यहाँ पे मजा होने वाला है दोगुना। मिलता हूँ आप लोगों से सीरीज की फुल रिव्यू को लेकर। तब तक के लिए मैं चलता हूं, टेक केयर, बाय बाय।